हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल आईए में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक नया अपडेट आया था, उस पर मैं वीडियो बनाया था। दोस्तों, क्या नया अपडेट आया था? यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन। दोस्तों, अब आपके अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, तो इस पर मैं वीडियो बनाया था, तो कई लोगों ने कमेंट किया है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों किन किन लोगों ने कमेंट किया। मिस्टर बिस बॉस ने कमेंट किया है और बोला है कि कौन सा वर्जन है, और अलीसा हेल्प ने कमेंट किया है और बोले हैं कि आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, और एमडी मुस्ताफिज ने बोला है कि मुझे आप इनवाइट कर लीजिए। दोस्तों, मैं इनवाइट कर लूँगा तो आपके भी व्हाट्सएप पर यह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यूपीआई पेमेंट का। बट दोस्तों, मेरा यही रिकमेंड रहेगा जब तक आपके व्हाट्सएप पर दोस्तों प्ले स्टोर से अपडेट करने के बाद यह इंटरफेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके अकाउंट दोस्तों प्राइवेसी वाली बात है। इसलिए मेरा यही रिकमेंड रहेगा, अगर आप कर लेंगे हो जाएगा, तो ये कोई बड़ी सी बात नहीं है। बट दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से अभी कोई भी दोस्तों जानकारी नहीं मिला है कि किन किन डिवाइस में दोस्तों यह काम कर रहा है, फीचर किन डिवाइस में आया है। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ किन किन डिवाइस में आया है, तो देख लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर 3 डिवाइस लिया हूँ, एक है रेडमी नोट 7S है, एक रियलमी है आई है, और ये है J26। देखिए दोस्तों, ये बात अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये पुराना है, ओल्ड है। नहीं दोस्तों, ओल्ड है, बट इसमें भी दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन 9 है, इसमें भी, इसमें है 6 है। तो और दोस्तों, अभी मेरे फ्रेंड ने दोस्तों रिनो 2, जो उनका है रिनो 2 है, तो उनको भी उनके भी मोबाइल में दोस्तों यह इंटरफेस देखने को नहीं मिला है यूपीआई पेमेंट का। दोस्तों, तो मेरा जहाँ तक ये एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक आप लोग बता दोस्तों, रेडमी और रियलमी दोस्तों यह आपको ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट का फीचर व्हाट्सएप पर, और ओप्पो वीवो दोस्तों इन सब में नहीं मिला है, न सैमसंग में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी जल्द मिल जाएगा ही दोस्तों। अगर इन दोनों डिवाइस में मिल गया, रेडमी रियलमी में, तो आप लोगों को भी जल्दी मिल जाएगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। अभी व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी सूचना हमको नहीं मिला है किन किन डिवाइस में या पेमेंट का फीचर आया है। दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से तो यही आया है फीचर कि हर एंड्रॉयड यूजर को दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लाइव मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले सर्च किया था, चलिए मैं फिर से सर्च कर ले रहा हूँ व्हाट्सएप। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख लिए दोस्तों ये पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब चलिए हम दिखा दे रहे हैं कौन सा वर्जन है आप लोगों को, ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर दे। चलिए मैं सेटिंग पर जाता हूँ, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। चलिए देख लिए दोस्तों, रियलमी है 3 है। अब हम मैं आप लोगों को दिखा दूँ कौन सा वर्जन है। चलिए यहाँ पर देख लिए दोस्तों, वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको वर्जन मिल जाएगा एंड्रॉयड वर्जन 9 है। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 9 है। अब इसकी बात करें दोस्तों, इसमें आपको भी मिल जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। चलिए मैं पहले यहाँ पर सेटिंग पे जाता हूँ, पहले मैं आप लोग सेटिंग पहले दिखा दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको मिल रहा है 9। देख लीजिए दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन 9 PQ। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों है कि रेडमी और रियलमी दोस्तों यह फीचर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं प्ले स्टोर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, सर्च कर ले रहा हूँ व्हाट्सअप। देखिए ओपन हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना बैंक सेलेक्ट कर, यहाँ पर एड न्यू पर करके यहाँ पर आप बैंक अपना सर्च करके यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ भी आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा जब अपना यूपीआई दोस्तों ये UPI पे अकाउंट बना लेंगे तो। अब चलिए हम इस पर आपको लेकर चलते हैं इस डिवाइस में।
ये भी अपडेट है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब क्या रीज़न है दोस्तों, यह व्हाट्सएप की तरफ से भी दोस्तों कोई भी अभी हमको सूचना नहीं मिला है। चलिए मैं आपको सेटिंग में दिखा दे रहा हूँ कौन सा वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6 है, एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 है, देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जब तक आपके वो प्ले स्टोर पर दोस्तों अपडेट करने पर आपसे लिए दोस्तों अपडेट करने पर नहीं आ रहा है फीचर, तो दोस्तों आप परेशान मत हो, चिंता मत कीजिए, आ जाएगा तो आप ये ऑप्शन दोस्तों आपको सभी को मिल जाएगा, जल्द ही मिलेगा दोस्तों, आप पर चिंता मत कीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कैसा आप लोगों को लगा वीडियो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।